हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमीदास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बिल्कुल सस्ते में बनने वाली मिठाई। बिना मावा चाशनी के बहुत ही आसानी से एकदम झटपट बनकर रेडी हो जाती है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इस फेस्टिवल आप इसे जरूर ट्राई करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में 2 कप दूध लेंगे और ये हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। दूध को हम थोड़ी देर पका लेंगे जिससे कि थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए। तो देखिए, दूध को हमने थोड़ी देर पका लिया है और ये दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बस इतना ही गाढ़ा दूध हमें चाहिए। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब गैस पर बर्तन में हम 1 चम्मच घी लेंगे, 3/4 कप इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, रवा, सेमोलिना, जिस भी नाम से आप जानते हो। सूजी हमें इसमें बारीक वाली ही लेनी है, अगर बारीक सूजी नहीं है तो थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भुनेंगे। तो सूजी को हमने भून लिया है। 1 चम्मच इसमें हम नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, यानी कि कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 कप से थोड़ा कम चीनी ऐड करेंगे, यानी कि 1/4 कप से हल्का सा ज्यादा और 1/2 कप से हल्का कम। और फ्रेंड्स, मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जैसे भी मीठा खाना पसंद करते हो। इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इलायची का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है, पसंद करते हैं तो जरूर डालें। 1 मिनट इसको हम भून लेंगे। और तो 1 मिनट भूनने के बाद अब जो गाढ़ा दूध है पकाया हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सारा दूध नहीं डालेंगे, 2 चम्मच जितना दूध बचा लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें लो पे रखना है, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसमें हम कुछ बूंद फूड कलर के ऐड करेंगे, ये हमने रेस्पबेरी रेड फूड कलर लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं फूड कलर, जो भी आपके पास हो। तो इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो थोड़ी देर हमने इसको लो फ्लेम पर पका लिया है और देखिए ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो गैस ऑफ कर देंगे, इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और ठंडा होने देंगे, तब तक इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो हम एक बर्तन में 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लेंगे, यानी कि नारियल का बुरादा लेंगे। 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कटके हुए बादाम इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच कटके हुए काजू, 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर की भी अपनी मिठास होती है, इसलिए चीनी ज्यादा नहीं डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब जो हमने 2 चम्मच गाढ़ा दूध बचा लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो गया है, और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर, केवड़ा एसेंस या फिर गुलाब का एसेंस ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो इसको हमने हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम गोले बनाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे साइज के गोले बना लेंगे। अभी जो हमारा सूजी का मिक्सचर है, उसको हम लेंगे, इसका गोला इस तरीके से बनाते हुए इसको फ्लैट करेंगे। अब जो हमने गोली बनाई है, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे कवर कर लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप चाहे तो बच्चों को भी बनाने के लिए बैठा सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें। ये हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, इससे हम इसको कोट कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर रेडी हो गई। इसी तरीके से सारी रेडी करनी है, बिल्कुल सस्ते में बनने वाली मिठाई है फ्रेंड्स। इस तरह की मिठाई अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो इतनी महंगी मिलती है, और घर पे बिल्कुल सस्ते में आसानी से झटपट बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल सस्ते में बनने वाली मिठाई रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है।
देखने में इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्ट लगती है। बिल्कुल आसान है बनाना, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसे जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने प्यार से कमेंट में भेज सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।